आज हम एक ही जगह पर करने वाले हैं चार एसीयों को इंस्टॉल, चारों एक ही ब्रांड का एसी, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ब्रांड एसी है जो कि मेरा फेवरेट है। यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं। देखिए इधर चार गो इंडोर रखा हुआ है, 1, 2, 3, 4, और यहाँ चार गो आउटडोर भी रखा हुआ है। माना चार चार पीस है, चार गो यूनिट है तो चार चार पीस रहेगा ना। सबसे पहले एसी लगाने का शुरुआत इसी रूम से करेंगे। ये सामने में जो बल्ब टिमटिमा रहा है, बल्ब और दीवार के बीच में लगेगा। ये रूम घर के बरामदे के पास ही है फ्रंट में। इनके लुक की बात की जाए तो इसके सुंदरता में किसी तरह का कोई ऐब नहीं है। 5 स्टार में ये 1.5 टन कैपेसिटी का और दिखने में काफी प्यारा लग रहा है। इस एसी को भी हम इंस्टॉल करने के लिए आए हैं। स्टेशन निर्मली से पश्चिम में गांव पड़ता है परसा बसवाड़ी, वहीं पर। भैया ये एसी जो है दरभंगा से मंगाया है और वहां पर दो दुकानदार के बीच में इस एसी को परचेज करने के चक्कर में जो है लड़ाई हो गया। वो कह रहा था मेरे में से लीजिए, वो कह रहा था मेरे में से लीजिए। इंडोर कहां पर लगेगा वो जगह तो हम दिखाई दिया था, अब आउटडोर यूनिट कहां पर लगाना है वो जगह भी देख लीजिए। ये सापट टाइप का जो स्पेस छोड़ा हुआ है इसी में लगाना है हमको। प्लेट तो ठोक चुके हैं भैया, अब राइट साइड में हम हॉल कर रहे हैं प्लेट के, क्योंकि हमको इंडो यूनिट का यूनियन बाहर की तरफ करना है बैक टू बैक ही, और दूसरा कोई ऑप्शन है भी नहीं। इनका कॉपर पाइप में बढ़िया तरीके से फ्लेयर भी बना दिए हैं हम, और पूरे पाइप पर जो यहाँ से वहां तक टेप लपेट दिए हैं वायर के साथ। हॉल तो एकदम पूरा बढ़िया तरीके से क्लियर कर दिए हैं, छोटा ही हॉल रखे हैं। इनके पीछे जो यहाँ पर यूनियन निकला है इसको खींचना पड़ेगा अंदर बैठाने के लिए, क्योंकि प्लेट पर बैठ नहीं रहा है सही से इंडो यूनिट। आउटडोर का स्टैंड भी एकदम बढ़िया तरीके से लेवल में इंस्टॉल करने के बाद इसका पाइपिंग भी कर दिया, बढ़िया तरीके से क्लिप जो ठोक दिए हैं। साला धूप इतना पड़ रहा है कि वीडियो भी नहीं बना पाए हैं, पूरा जो है पसीना पसीना हो गया, पसीना से भींग गए पूरा। अब आगे आउटडोर को स्टैंड पर रखने का बारी, दोनों भैया हमारा हेल्प कर रहे हैं। चलिए पीछे पीछे कॉइल में लगेगा, नहीं लगेगा वाले चले। अब देखिए भैया इसके कॉपर पाइप को वहाँ यूनियन के पास बढ़िया तरीका से कस करके क्लिपिंग कर दिए, दो जगह क्लिप बढ़िया से मार दिए और यहाँ भी कनेक्ट कर दिया, बढ़िया तरीका से कस दिए। इंस्टॉलेशन वाला तो टोटल काम कंप्लीट कर लिए भैया, अब लास्ट में कर रहे हैं इनके अंदर वैक्यूम। 20 मिनट पूरा वैक्यूम करेंगे बढ़िया तरीका से भैया। 20 मिनट जो है कंप्लीट होने वाला है, इसलिए सबसे पहले हम मीटर बंद कर रहे हैं, उसके बाद वैक्यूम पंप बंद करेंगे। गैस एसी के अंदर रिलीज करने के बाद इसका लीकेज भी हम चेक कर लें, ताकि मन में जो शंका सस्पिशन है वो दूर हो जाए। यहाँ इंडो यूनिट के यूनियन के पास से भी चेक कर रहे हैं, हर जगह से चेक कर लेंगे तो फ्री हो जाएंगे। लीकेज चेक करने के बाद यहाँ भी बढ़िया तरीका से टेपिंग कर दिए हैं। अब देखिए भैया इसका फाइनल लुक पाइपिंग किस तरह से किए हैं, आउटडोर कैसे लगा है। अब हम आ चुके हैं भैया दूसरा एसी लगाने के लिए, दूसरे रूम में। ये मेन बेडरूम है तो एसी को हम अनबॉक्सिंग कर लिए हैं ऑलरेडी। ये सेम टू सेम वही एसी है, चारों एसी जो है एक ही मॉडल है। इस एसी को लगाएंगे खिड़की के जस्ट ऊपर, वहाँ पॉइंट भी दिया हुआ है, तो खिड़की के सेंटर में रखेंगे हम इस एसी को। यहाँ देखिए हम प्लेट पूरा लेवल में लगा चुके हैं, पूरा लेवल में, कहीं भी एक रत्ती इधर उधर नहीं है, पूरा बीच में लेवल देख लीजिए। कॉपर पाइप निकालने के लिए जो होल किए हैं प्लेट के लेफ्ट साइड में किए हैं, क्योंकि इंडोर यूनिट का यूनियन को जो हमको अंदर रखना है। वहां पर जो होल किए थे हम बैक टू बैक ही निकाले थे, क्योंकि वहां ऑप्शन नहीं था। नीचे इंडोर यूनिट का प्लेट ठोकर के साइड में होल भी कर दिए कॉपर पाइप निकालने के लिए, और ऊपर जो है यहाँ छत पर आ गए, छत पर से जो है आउटडोर यूनिट रखने में बढ़िया रहेगा, तो छते पर से जो है स्टैंड भी ठोक लिए आउटडोर यूनिट का। ये देखिए बस आउटडोर यूनिट ला करके रखेंगे और कॉपर पाइप का पाइपिंग करके कनेक्ट करेंगे, वैक्यूम करके चालू कर देंगे, हो गया हमारा काम कंप्लीट। 2 AC है जो आज इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगा, क्या हो गया। हाँ आज 2 AC जो इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि अकेले थे और लगभग 12:30 बजे तो यहाँ पहुँचबे किए, और अभी कितना समय हो रहा है, 5:30 बज रहा है, दूसरा भी कंप्लीट हो ही जाएगा। तो भैया अकेले कितना करेंगे, कभी दौड़ करके हथौड़ी लाने जा रहे, कभी पिलास तो कभी पेचकस, लेकिन काम तो हो ही रहा है। चलिए बाकी का काम और कंटिन्यू रखते हैं। आउटडोर स्टैंड के बीच में जो नट कसने के लिए हम दूसरे तरफ से घूम करके आए हैं, देखिए कहाँ खड़े हैं, ये देखिए चला इनमें कच्चा मकान है, अभी तुरंत जुड़वे किया है, बढ़िया तरीका से सूझबूझ कर खड़ा होना पड़ेगा, लेकिन है खड़ा होने का जगह है, कस लेंगे बढ़िया से। कुछ करूं।
अब आ गए भैया इंडो यूनिट के पास फ्लेयर नट कसने के लिए। दहत तरीका लाइट ये भाग गया। नीचे इंडो यूनिट के पास भैया किसी तरह फ्लैश व्लैश ला करके बढ़िया से पाइप कस दिए और वैक्यूम पर लगा दिए इसको। बढ़िया से करेंगे 20 मिनट वैक्यूम, उसके बाद ही गैस रिलीज करेंगे इसका भी। दोनों एसी के इंस्टॉलेशन का टोटल काम कंप्लीट हो गया है। अब पहला एसी को आए हैं चलाने के लिए, लेकिन इसमें लाइनें नहीं है। चलिए तब तक दूसरा एसी को चलाते हैं। दूसरा एसी तो उस रूम के अंदर लगा हुआ है ना, मेन बेडरूम जो है, तो इसको भी दोनों को बारी बारी चला करके दिखा देंगे। उसके बाद यहाँ से निकलेंगे तो इसको भी चला देते हैं। ऐसा ला इसके अंदर भी लाइन नहीं आया। पूरे घर में अभी बढ़िया से वायरिंग नहीं हुआ है। अब देखिए भैया दूसरी जगह से लाइन दिलवा के चलाएं, एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं, एकदम दनादन चल रहा है। चलिए इस एसी को चला ही ना दिया। बरामदे के पास जो रूम में लगा हुआ एसी, पहला एसी जो इंस्टॉल किए थे, उस एसी को भी चलाना है ना, तो उसमें भी लाइन का व्यवस्था शायद हो गया। ये देखिए यहाँ से दिए हैं, या ये भी चल रहा है एकदम दनादन, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। ये भी एकदम गर्दा उड़ाया हुआ है।